इंडिया में दो तरह का फैंस पाया जाता है, चाहने वाला और बेटा चाटने वाला, जो मजाक को मजाक की तरह नहीं लेता। तो क्या चल रहा है इंडिया में फिलहाल? YouTube वर्सेस TikTok का तीसरा चरण चल रहा है, जहां पे कैरी भैया के वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया गया है। ये न्यूज कैरी भैया के सभी फैंस के लिए एक शॉक है, क्योंकि आज के डेट में सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का युद्ध चल रहा है। तो बेटा एक बात जान लो, लिख लो, जब टिकटॉक पेट में था तो यूट्यूब क्लास 8 में था। तुम बेटा को बाप से, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से और केआरके को एसआरके से कंपेयर कर रहे हो। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। कैरी भाई के वीडियो को आगे पीछे ऊपर नीचे जहां लेना है ले लो, दिल पे ना लो यार। वीडियो डिलीट होने का जो यूट्यूब वजह बताया है वो है साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट। तो भैया उंगली पहले उधर से हुआ है, कैरी भैया ने तो सिर्फ रिप्लाई दिया है। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो, लेट कैरी मिनाटी रोस्ट आमिर सिद्दीकी। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। जब मजाक झेलने का हिम्मत ही नहीं है तो करते ही क्यों हो? इसलिए तो बेटा कहते हैं, जब पिछवाड़े में हो दम उसके बाद ही बनो बाजीराव सिंह। आपको बता दे कि साइबर बुलिंग इंटरनेट की दुनिया में किसी को हैरेस करना, परेशान करना या कमेंट करने को कहते हैं। कैरी भैया का वीडियो इतना सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका था और वर्ल्ड का नंबर वन लाइक वीडियो बनने ही वाला था, लेकिन ये वीडियो डिलीट हो गया। कम से कम इतना ही सोच लेते यार कि इंडिया का एक और वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। जभी तो कहते हैं बेटा, इचगाट लगाओ, पिछवाड़े की खुजली मिटाओ और झाटू टिकटॉकर अपने औकात पे आओ। और भी बहुत सारे टिकटॉकर हैं जो कतई जहर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ की वजह से सारे बदनाम हो रहे हैं। कैरी भाई के साथ साथ एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी का भी वीडियो डिलीट हो गया विद द सेम रीजन। करवा रहे हो मेरी वीडियो, रिमूव करवा रहे हो, देखते हैं अभी। देखो भाई, जो भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी। भाई मैं क्यों करूंगा डिलीट यार, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यूट्यूब का पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग, मैं देख रहा हूँ अभी, मैटर कुछ होता तो मैं अपडेट करता हूँ। गाइज हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दमता, लूट लिया, अब तो बहन चो आगे क्या ही बोले। वीडियो भाई रिमूव हो गई, यूट्यूब से सुबह सुबह बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी, कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ ठीक है यार। अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है, मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ठीक है अभी। लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई, और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में, इसलिए यार किसी चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से अब उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकल या कुछ ऐसा बोलूँगा, अब से ओनली नॉर्मी कॉमेडी। सबको यही लग रहा था कि YouTube वर्सेस TikTok यहीं पे खत्म होने वाला है, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया है। ट्विटर पे कुछ हैशटैग ट्रेंड में है जो कैरी भाई के फैंस ने उठाया है, तो यही लगा था कि कहानी खत्म होने वाला है, लेकिन ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले अपडेट के लिए कनेक्टेड रहें।